वहीं चंडीगढ़ में भी शिव भक्तों ने पूरी शिद्दत के साथ महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया। महाशिवरात्रि के मौके पर चंडीगढ़ में किस तरह से लोगों में उत्साह नजर आ रहा है आप देख सकते हैं। श्रद्धालु सुबह से ही कतारों में खड़े हैं शिव भगवान की पूजा करने के लिए और साथ ही साथ पार्वती माँ की अर्चना करने के लिए। तो आप देखें किस तरह से यहाँ पर लोग कतारों में खड़े हैं। और आपको बता दें कि सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है और हम लोग चंडीगढ़ के प्राचीन मंदिर में हैं और यहाँ पर सुबह से ही लोग पहुँच रहे हैं। आपको दिखा देते हैं कि किस तरह की यहाँ पर रौनक लगी हुई है और किस तरह से यहाँ पे पूजा अर्चना की जा रही है। आप देखेंगे कि आपको बता दें कि आज के दिन पंच अमृत के साथ भगवान शिव की पूजा की जाती है और इसके साथ ही फल चढ़ाए जाते हैं और इसके साथ ही आपको बता दें कि शिव भगवान को जो सफ़ेद चीज़ें हैं वो बहुत पसंद थी जिसके कारण सफ़ेद चीज़ों का चढ़ावा किया जाता है। इसके साथ ही हमारे साथ पंडित जी हैं उनसे जान लेते हैं। पंडित जी आज की महाशिवरात्रि किस तरह से शुभ मानी जा रही है और साथ ही साथ किस तरह से पूजा करनी चाहिए और क्या पूजा का जो वक्त है बताया जा रहा है। इस साल जो शिवरात्रि है और त्रयोदशी में चतुर्दशी आ गई है इसलिए विशेष शिवरात्रि मानी जा रही है क्योंकि कभी कभी इस प्रकार का संयोग बनता है। भगवान शंकर की शिवरात्रि है कल्याण की रात्रि है। आज के दिन भगवान शंकर को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। यज्ञोपवीत्र वस्त्र फूल भांग के पत्ते शमी के पत्ते बिल के पत्ते आदि चढ़ाने चाहिए और पंचामृत गंगा जल के साथ साथ में गन्ने के रस भी चढ़ाना चाहिए और रात्रि जागरण करना चाहिए। ओ नमः शिवाय का मंत्र जाप करके महामृत्युंजय का मंत्र जाप करके विशेष करके पंचाशक्र का मंत्र जाप करके भगवान शंकर का भजन कीर्तन जागरण करना चाहिए। आज यह शिवरात्रि सबको मंगल में हो आनंद में हो कल्याण में हो आपको बता दें कि इस बार कहा जा रहा है कि मंगल शिवरात्रि ये विशेष शिवरात्रि है यानी कि जो भी मनोकामना आप मांगेंगे वो पूरी होगी ये पंडितों द्वारा कहा जा रहा है और किस तरह से पूरा विधि विधान से यहाँ पर लोग पूजा कर रहे हैं उसकी तस्वीरें भी दिखाई गई हैं। कैमरामैन प्रमोद के साथ नितिका महेश, वीजी मीडिया, चंडीगढ़।